वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूके ट्यूटोरियल में। और पार्ट नंबर 19 में आज हम जानेंगे बूटस्ट्रैप के बटन के ग्रुप के बारे में। तो बूटस्ट्रैप बटन ग्रुप में हम सबसे पहले देखेंगे बटन स्टाइल। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था बटन स्टाइल कैसा है, फिर मैं आपको एक रिपीट करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने बटन स्टाइल कॉन्फिगर करके रखा है। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 बटन लिए हैं और उसको क्लास लगा है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे BTN डिफॉल्ट, प्राइमरी, सक्सेस, वार्निंग और डेंजर। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा बटन क्लास स्टाइल इस तरह से दिखाई देता है, इसमें इन दोनों के बीच में स्पेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बटन स्टाइल के बाद हम देखेंगे बटन ग्रुप क्लास। तो बटन ग्रुप क्लास क्या करता है, जो हमारे बटन से उन्हें एक ग्रुप में लाता है। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं हमारा बटन एज इट इज में यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे एक डिवीजन ले रहा हूँ। ये डिवीजन को प्रॉपरली क्लोज करना ना भूले। और इस डिवीजन में हम लगाएंगे हमारा क्लास। और हमारा क्लास का नाम है BTN ग्रुप। इसे सेव करते हैं, क्रोम को ओपन कर देते हैं और ये रिलोड कर दिया। तो देखिए, हमने जैसे BTN ग्रुप क्लास यहाँ पे लगाया तो ये जो स्पेस था इन दोनों के बीच में वो निकल गया और एक ग्रुप में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। BTN ग्रुप क्लास के बाद आता है हमारा BTN टूल बार। तो BTN टूल बार सेम उसी तरह से फंक्शन करता है, बस इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि ये हमारे जो ग्रुप को है ग्रुप्स में बदल देता है। सिर्फ एक ग्रुप में रहता है, बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं हमारा ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, इससे मैं अनकमेंट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखिए, हमें इन दोनों का एक ग्रुप बनाना है, इन दोनों का एक ग्रुप बनाना है, इसे अकेले को छोड़ देंगे। तो ये हमने यहाँ पे BTN क्लास ग्रुप बटन ग्रुप लिया है, इसे हम यहाँ पे पहले क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। अभी ये दोनों एक ग्रुप में आ गए हैं। इसके बाद मैं इन दोनों को एक ग्रुप में डाल देता हूँ। बहुत आसान है, आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। ये भी क्लोज हो गया और ये भी यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये हमारा एक एक्स्ट्रा हो गया, इसे हम निकाल देते हैं। तो ये हमारा BTN क्लास यहाँ पे, इसे सेव कर लिया। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को इस ग्रुप में डाला है, इन दोनों को इस ग्रुप में डाला है और इन सब को यहाँ से लेके यहाँ तक हमें और एक डिवीजन में इनको डालना है। हम एक डिवीजन यहाँ पे लेते हैं जिसमें हम डिफाइन करेंगे हमारा BTN टूल बार का क्लास। यहाँ पे क्लास लीजिए। क्लास लेने के बाद BTN माइनस टूल बार सेव कीजिए। सेव करने के बाद क्रोम करते हैं, ये रीलोड ओपन किया। तो ये देखिए, हमारा BTN टूल बार क्लास सक्सेसफुली रन हो गया है। ये ग्रुप, इन दोनों का एक ग्रुप, इन दोनों का एक ग्रुप और ये इंडिविजुअल। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।